तो WWE के अंदर हम सभी ने बहुत से स्टिपुलेशन मैचेस देखे, लेकिन ऐसे कुछ रेयर मैचेस होते हैं जो कि साल में, 5 साल में, 10 साल में एक दो बार होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक डॉग कॉलर मैच के बारे में, बिकॉज कंपनी के अंदर ये मैच पिच हुआ और बाद में कर दिया गया रिजेक्ट। अब ये कौन सा मैच था, क्या डिटेल है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो WWE इंडिया के अंदर फाइनली सेप्टेम्बर में आ रही है, तो अगर मैं कहूँ ये शो एक्चुअल में ग्रैंड इवेंट होने वाला है, क्या कुछ पूरी डिटेल है और भी बहुत सी न्यूज में जानने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो के अंदर। एंड वही पुराना सस्ता डायलॉग, सो विदाउट wasting in time, let's begin this video. और हाँ, देखो अगर तुम लोग इस वाली वीडियो को कल के स्मैकडाउन के शो के बाद देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स ये वाला जो पहली अपडेट है तुम लोग स्किप कर सकते हो, रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है और उनके कल होने वाले स्मैकडाउन के सेगमेंट के बारे में जुड़ी है। आज पर स्पेकुलेशन जो कल शो का मेन इवेंट है वो रोमन रेंस का सेगमेंट होने वाला है। रोमन रेंस शो की एंडिंग में आएंगे एंड पॉसिबली वहां पर वो अनरिवील करने वाले हैं अपनी न्यू चैंपियनशिप को, यानी कि टाइटल्स फाइनली मर्ज होंगे। WWE चैंपियनशिप एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप कंबाइन होगी और इसलिए कल स्मैकडाउन का मेन इवेंट तुम लोग किसी भी हालत में मिस मत करना। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बारे जुड़ी है तो चैंप रन्स द कैंप, द फेस रन्स द प्लेस, यानी कि ऑफ कोर्स जॉन सीना के बारे में, बिकॉज सीना को लेकर रिसेंट टाइम के अंदर कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं सामने। और बेसिकली ये अपडेट कह लो, जॉन सीना का अलग से एक रिकॉर्ड कह लो, बिकॉज जॉन सीना ने ऑल टाइम सेल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। होता है कि WWE के कुछ ट्रेडिंग कार्ड्स आते हैं, ट्रेडिंग कार्ड्स इन द सेंस जैसे पोकेमोन का कार्ड तुमने देखा होगा लोगन पॉल में के गले में टंगा हुआ, तो बहुत महंगा कार्ड होता है, राइट। तो ऐसे काफी सारे कार्ड्स होते हैं जो कि बहुत महंगे प्राइस में बिकते हैं, जबकि उनका जो एवरेज प्राइस होता है खरीदने वाला बहुत लो होता है। तो होता है कि रिसेंट टाइम में जो 2022 का प्रिज्म WWE ट्रेडिंग कार्ड था जॉन सीना का, उसने ऑल टाइम रिकॉर्ड ये ब्रेक किया कि $17,100 का बिका है एक मार्केट प्लेस के अंदर। इससे पहले रेसलिंग का सबसे ज्यादा महंगा जो ट्रेड था या फिर ट्रेड कार्ड था वो द रॉक का था, वो $12,600 का था, लेकिन जस्ट एक सिंपल कार्ड जो जॉन सीना का है वो $17,100 का बिका, जो कि मेरे हिसाब से अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर मैं गलत नहीं, ये 13-14 लाख के अराउंड बनता है। तो भाई देखो, जॉन सीना ने ये कुछ रिकॉर्ड ब्रेक कर डाला कि छोटा सा जो कार्ड होता है ना, चोना मोना सा, वो इतना ज्यादा महंगा बिके रेसलिंग के अंदर। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो WWE के इंडिया के इवेंट के बारे में जुड़ी। पहले से तुम लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना कितने लोग इंडिया के इवेंट के लिए आएंगे, बिकॉज अब एक्साइटमेंट थोड़ी और बढ़ा लो। बताया जा रहा है पहले डेट तो आएगी थी 9 सितंबर को WWE का इंडिया का शो होने वाला है। शो पर पॉसिबली जो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है वो भी अपीयर होंगे एंड इसको लेकर फाइनली डेव मेल्जर की तरफ से एक अपडेट है ये सामने। मेल्जर ने यहां पर ये बात रिवील की है कि WWE एक एंटीसिपेटेड ग्रैंड इवेंट रखने वाली है, यानी कि वही पुरानी बात कि ये एक लाइव इवेंट से ज्यादा होने वाला है एंड शायद एक प्रीमियम लाइव इवेंट से कम होगा। एज पर स्पेकुलेशन ये सिमिलर होने वाले सुपरस्टार स्पेक्टेकल के शो से, जो कि हमें कोविड के टाइम पे टेलीविजन पे अराउंड होता हुआ नजर आया था। तो बताया जा रहा है WWE वैसे कुछ शो लाएगी एंड पॉसिबली टेलीविजन के ऊपर भी टेलीकास्ट होने वाला है। अब देखो, अगर लाइव इवेंट होता है तो टेलीविजन के ऊपर टेलीकास्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन बड़ी बात है अगर WWE से टेलीविजन के ऊपर टेलीकास्ट करवा रही है तो जो प्रोडक्शन क्वालिटी वो तुम्हें रॉ स्मैकडाउन के लेवल की ही दिखाई देने वाली है। सुपरस्टार स्पेक्टेकल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बस वहां पे ऑडियंस की कमी थी, उस टाइम कोविड का पीरियड चल रहा था, वो एक तरह के एक तरह से पूरी तरीके से डिफरेंट चीज है। लेकिन भाई ये कुछ बात है अभी फिलहाल WWE के इंडिया के इवेंट के बारे में कि ग्रैंड स्केल के ऊपर इवेंट होने वाला है, WWE छोटा मोटा इवेंट नहीं करवाएगी। ऑफकोर्स निक खान ने भी शो को कन्फर्म किया, तो चीजें पूरी तरीके से ऑफिशियल है, शो बड़ा होने वाला है। कितने लोग एक्साइटेड है बताना कॉमेंट सेक्शन में। आगे से अगर टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है, इसकी क्वालिटी हो रही है रॉ स्मैकडाउन जैसी, तो यार एटलीस्ट देखना बनता है अगर प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं भी होता है तो। लेकिन चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये जुड़ी है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में एंड एजे स्टाइल्स की WWE फ्यूचर को लेकर, उनके करेक्टर चेंज को लेकर ना रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं सामने। बताया जा रहा है WWE आने वाले स्मैकडाउन के शो से डिटरमाइन करने वाले कि जो एजे स्टाइल्स का करेक्टर है वो और भी ज्यादा रूथलेस या फिर एग्रेसिव हो जाए एंड प्लस वो जो करेक्टर है वो और भी डिटरमाइंड हो जाए। मैं टू बी ऑनेस्ट कह सकते हैं शायद पुराना वाला एजे स्टाइल्स कमबैक एक बार फिर से कर रहा है स्मैकडाउन के शो के अंदर। पहले वाला एजे स्टाइल्स रूथलेस भी था, पहले वाला एजे स्टाइल्स डिटरमाइंड भी था किसी भी चीज को लेकर, उनका WWE चैंपियनशिप को पूरा रन ले लो। और जिस तरीके से नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर एजी स्टाइल्स ने मैच दिया था, तो मुझे लग रहा है कंपनी जो है वो करेक्टर चेंज के बाद एजी स्टाइल्स को और बेहतरीन बनाते हुए नजर आएगी। तो शायद होप लगा सकते हैं जो एजी स्टाइल्स के फैन है कि पुराना एजी स्टाइल्स दी हाउस दैट एजी स्टाइल्स बिल्ड स्मैकडाउन के अंदर एक बार फिर से वापस आएगा अपने पूरे OC क्लब के साथ के अंदर। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। WWE कंपनी के अंदर एक मैसिव स्टिपुलेशन मैच के बारे में जुड़े, जो कि आइडिया पिच तो किया गया था लेकिन अल्टीमेटली जो आइडिया वो आखिर में रिजेक्ट होता हुआ नजर आया। मैं बात कर रहा हूँ एक डॉग कॉलर मैच के बारे में, बिकॉज रिसेंट हमें कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने बताया, और ये जो अपडेट है बूजर की तरफ से है, जो कि काफी ट्रस्टेड सोर्स बताया जाता है और उनकी जो भी बात है ऑलमोस्ट करेक्ट ही होती है। वो बताते हैं WWE के अंदर एक मैच पिच हुआ, हम जानते हैं कोडी और जो ब्रॉक की रैवलरी वो अभी तक एंड नहीं हुई है। तो WWE ने सोचा क्यों ना इस रैवलरी को एंड करने के लिए या फिर इनकी एक और मैच के लिए हम लोग प्लान करते हैं एक बहुत बड़ी स्टिपुलेशन, वो डॉग कॉलर मैच की होगी। यानी कि वही पट्टे वाला जो सीन है तुमने देखा होगा AEW कंपनी के अंदर, MJF वगैरह ऐसे मैचेस में कंपीट करते रहते हैं, तो वैसे कुछ आइडिया पिच किया गया।
रहे थे कि इन दोनों के मैच में हम लोग डॉग कॉलर जो मैच है उसकी स्टिपुलेशन ऐड कर देंगे और ये मैच थोड़ा वियर्ड या फिर एक्सट्रीम लेवल का होने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली जो आइडिया वो रिजेक्ट होता हुआ नजर आया। रिजेक्ट किसने किया है? कोडी रोड्स ने किया, ब्रॉक लेसनर ने किया या फिर ट्रिपल एच वगैरह ने किया, ये बात कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ आइडिया पिच हुआ फिर जाके कैंसिल हुआ। तो ये कुछ अपडेट है इस पूरे ब्रॉक और कोडी के मैच को लेकर कि WWE इनके अगले मैच को और भी एंटीसिपेट बनाना चाह रही है। डॉग कॉलर मैच की स्टिपुलेशन ऑफकोर्स काफी यूनिक स्टिपुलेशन मैं ऐसे कहूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ WWE के अंदर के आइडिया रिजेक्ट हुए, तो मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली लेसनर ने ही आइडिया को रिजेक्ट किया होगा। बाकी लेट्स सी क्या होता है इनके वाले टाइम में आने वाले फ्यूड के अंदर। मुझे लग रहा है कॉल आउट तो हो गया ब्रॉक को, तो ब्रॉक रिटर्न करेंगे और इस बार लग रहा है जो तीसरा मैच होगा उसमें कोई ना कोई एटलीस्ट स्टिपुलेशन तो ऐड होने ही वाली है। चलो बाय द वे इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन, और अब मैं तुमसे मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।